समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। राधा वल्लभ ज्वेलार्स नरसिंहतला शिलचर दक्ष कारीगरी गौरव 50वें बर्षर उपलक्षे राधा वल्लभ ज्वेलार्स एवारे धनतेरसे ग्राहक तथा क्रेतादेर जन्य निये एलो धामाका अफार। 50वें बर्षर उपलक्षे महा धामाका अफारे थाकछे 1,00,000 टाकार नीचे केनाकाटा करले मजुरीते 50% छाड़, सेई संगे 1,00,000 টাকার উপরে কেনাকাটা করলে থাকছে 3,101 টাকা ক্যাশব্যাক, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার এবং 2,00,000 টাকার উপরে কেনাকাটায় 6,101 টাকা ক্যাশব্যাক, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। তাই এবারের ধনতেরস তিথিকে আনন্দ উল্লাসে মাতিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন রাধা বল্লভ জুয়েলার্স নরসিংহতলা শিলচর, গহনার অঙ্গীকার রাধা বল্লভ জুয়েলার্স। যোগাযোগ 9435174213-86385-53157 এবং 6001654974। দীপাবলি এবং ধনতেরস তিথিকে আরও মজিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন রাধা বল্লভ জুয়েলার্স নরসিংহতলা শিলচর, গহনার এক অনবদ্য অঙ্গীকার। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর। এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার। দশমী, দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে 5,000 টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন। এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি, তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ। ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,000 টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট। খেলা হবে ছট পূজার পরে, তাই দুর্গাপূজার আনন্দ উৎসবকে আরও রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর, গলি নম্বর 2 শিলচর সদর থানার নিকটে। समाचारों के अगले चरण में आने वाले 19 नवंबर से शिलचर के इंडिया क्लब के मैदान में बैद्यनाथ नाथ ट्रॉफी स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रहा है। कुल 16 दल इसमें भाग लिए हैं। इस प्रतियोगिता में चैंपियन दल को 12,000 रुपए व ट्रॉफी तथा रनर्स अप दल को 8,000 रुपए ट्रॉफी, तीसरे स्थानाधिकारी को 4,000, दूसरे स्थानाधिकारी को 3,000 व चौथे स्थानाधिकारी को 1,500 रुपए मिलेंगे। इस प्रतियोगिता को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए युग संघ पत्रिका गोष्ठी के कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में बैद्यनाथ नाथ स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में विस्तारित खुलासा भी किया गया। বিস্তারিত সবকিছু বলবে আজকে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি নেই আউট অফ স্টেশন, আমাদের জিএস অ্যাডাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
दक्षिण सिलचर सरस्वती विद्यालय केतन में शिक्षा विकास परिषद दक्षिण असम प्रांत के उद्योग से वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदीप प्रज्वलन के साथ साथ कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर यह सभा संपन्न हुआ। सभा में शिक्षा के विकास के साथ साथ नए तौर पर नई कमेटी का भी गठन किया गया। सभापति अध्यापक निखिल भूषण दे तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य भी कार्यक्रम में रखे। कार्यक्रम में शिक्षा विकास परिषद के संपादक निहारंदु धन ने भी अपने मतों का बखान किया और शिक्षा की अहमियत के बारे में छात्र छात्राओं को और भी प्रेरित किए। आप बताइए और कितने साल से हैं आप और क्वालिफिकेशन क्या है? तीन बातें सर। छोटे छोटे केंद्र हैं, विद्यालय है, सीमावर्ती हमारा एक क्षेत्र है करीमगंज के साथ का जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हुए शिक्षा क्षेत्र का कुछ न कुछ प्रसार वहाँ पर संस्कार केंद्र एकल विद्यालय के माध्यम से या प्रत्यक्ष विद्यालयों के माध्यम से कैसे हो सकता है, ये सारे विषय हमारी कम से कम इस कॉलेज की प्राथमिकता में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जब हम साधारण सभा में बैठेंगे इतने सारे उपलब्धियों का वर्णन है, देखिए बहुत सारी चीजें छूट भी गई क्योंकि सारी चीजें सेक्रेटरी रिपोर्ट में आनी पाती है। नियमित रूप से जो काम करने वाले लोग हैं कितना समय देना पड़ता है, कितनी व्यस्तता में से सब कार्यकर्ता समय निकालते हैं, बैठकों में भी बैठकों की औपचारिकता बहुत होती है, लगातार बैठकों में आना होता है, कुछ बातें छूट जाती होंगी। तो मुझे लगता है कि ये सबको याद दिलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, उत्साह और हौसला बढ़ाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में हम नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ और मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। नमस्कार। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के नगर पालिका विभाग के दो नंबर वार्ड के नगर पालिका गुंजन करके प्रयास से ड्रग्स विरोधी मुद्दे को लेकर एक जागरूकता सभा आयोजित किया गया। लखीमपुर नगर पालिका कार्यालय में आयोजित इस सभा में सभापतित्व किया लखीमपुर नगर पालिका के चेयरमैन मीरनकांति दास ने। ड्रग्स विरोधी गतिविधियों पर वक्तव्य रखे जिष्णु दत्त, विमलेंदु चक्रवर्ती, मणिकांत शर्मा, गौर किशोर सिंह, रविंद्र सिंह, हबीबुर रहमान, डॉक्टर शुभजीत चक्रवर्ती व दूसरे हस्तियों ने। सूत्र के अनुसार इस दिन के सभा में कमिश्नर अजंता देव सह कमिश्नर तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में सभा सफल रहा। একটু চুপি হয়ে পড়ছে মনে হয়, তাও জিনিসটা বুঝতে পারছে না, এরকম কয়েকবার আমি গেছি। ফিল্ডের কলেজ যেটা এডুকেশনের বাসটা জায়গা থেকে পড়ে তো আমার মিশনের দিকে যাওয়া যায়,
श्रीगुना गांव पंचायत कार्यालय में आर्यभट्ट साइंस सेंटर व नंदी यंग स्टार क्लब के उद्योग से एक सभा आयोजित किया गया। सभा में बच्चों की पकड़ने वाली मुद्दे को लेकर विस्तारित तौर पर लोगों को जागरूक किया गया। सूत्र के अनुसार बच्चों के अपहरण से जुड़े कुछ लोगों को शक के आधार पर मारपीट कर हत्या कर दी जाती है। बाद में देखा जाता है कि यह व्यक्ति किसी भी अपराध से जुड़ा हुआ नहीं था। ऐसे ही कुछ मुद्दों के बारे में लोगों को विस्तारित तौर पर जागरूकता प्रदान किया गया और आने वाले दिनों में ऐसे किसी गतिविधि से जुड़े लोगों को पुलिस प्रशासन के हाथों प्रदान किए जाने के लिए आर्यभट्ट साइंस सेंटर के कार्यकर्ताओं ने लोगों को प्रेरित किया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मेघना सिन्हा, नंदी यंग क्लब के सभापति प्रशांत सिन्हा, सिकुना जीपी सभानेत्री शैकुल इस्लाम और दूसरे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। তো আমি আপনারা আমরা আমরা বিশেষভাবে মা বোন যারা আছে যদি এরকম ঘটনা ঘটনা দেখা দেয় আপনারা যা সর্বা বা লোকের যারা প্রতিনিধি আছে মেম্বার আছে বা পুলিশ প্রশাসন আছে যদি আপনারা মেম্বার হয় তো সুবিধার ফান্ডে পেলে যদি আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ভবনে খবর দিয়ে মানুষেরা পুলিশের ধন্যবাদ করলে তারা পরবর্তী দিনে যা সর্বা কাজ করি আর ভালো মানুষ নিয়ে বাদ বাদ মানুষ হয়ে তার উপযুক্ত উক্ত সভায় উপস্থিত আমাদের মাননীয় সিদ্ধনা জিবিশ সভানেত্রী প্রতিনিধি সাইদুল ভাই এবং আর্যভট্ট সাইন্স সেন্টারের কোঅর্ডিনেটর শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সিনহা, তৎসঙ্গে শ্রীকুনা জিপি সহ সভাপতি ভাইয়ের নামটা ইসলামুদ্দিন, হ্যাঁ ইসলামুদ্দিন মহাশয় এবং আমাদের আর্যভট্ট সাইন্স সেন্টারের বিশিষ্ট কর্মী মান্না রায়। আজকের সভায় উপস্থিত আমার শ্রীকুনা জিপি, বিশেষ করে আমাদের মহিলা এসএনজি গ্রুপ থেকে যে মা বোনেরা এসেছেন আপনাদেরকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে আমাদের এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানটি আগে করার কথা ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের মানে সবজি খেতে পুরো জুম পড়ছে। प्रथम विभाग के क्रिकेट प्रतियोगिता में सीतर जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में युगायक संघ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट के नुकसान में 31.2 ओवर में 136 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में तारापुर एसी के खिलाड़ियों ने केवल 10 विकेट के नुकसान में 126 रन ही संग्रह कर पाए जबकि अभी भी 7 ओवर बचे हुए थे। सूत्र के अनुसार 28 ओवर खेलने के बाद तारापुर एसी के सभी खिलाड़ी आउट हो गए। आखिरकार युगायक संघ ने 9 रनों से यह मैच जीता। খালি হেলাত করে ইংলিশ দিছিল, এটা আমার কোন বাল ভরা।
পদ্মার ইলিশ বা যদি আমার মুসলিম বা কুইয়ে কুই আমরা মুসলিম বুঝাই নি আজকে সাত আট বছর राज्य व केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के क्षेत्र में कुल 800 शिक्षकों की पद विलुप्ति किए जाने पर छात्र संगठन AIDSU के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा हिल्लोल दत्त सहित दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। सरकार जो सिद्धांत लिया है 8,000 टीचर्स जिन्हें स्कूल में जो विलुप्त किया उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन करते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो डिस्ट्रिक्ट नहीं डिस्ट्रिक्ट बाहर से अपॉइंटमेंट करते हैं उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारा युव संगठन ऑल इंडिया DYO और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया DSO ये दोनों एक साथ हम मिलकर सरकार की ये स्वीकार सिद्धांत हम लोग ये धरना विक्षोभ प्रदर्शन करते हैं। सरकार अगर कोई अहम कदम नहीं उठाती है तो आप लोग क्या कार्रवाई? हम लोग तो लगातार ये आंदोलन करते हैं। आप देखते हैं मीडिया में हम जब तक सिद्धांत जो नहीं करेंगे हम लोग आंदोलन के चला के जाएंगे। शिक्षा मंत्री को इस संदर्भ में कोई जानकारी दी? तो झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं सरकार। कभी कोई सिद्धांत झूठ जुमला करते हैं, हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं हमेशा। चुनाव के दौरान राजनेता मंत्री तथा विभागीय कार्यकर्ता जो आश्वासन देते हैं चुनाव के बाद भूल जाते हैं, ऐसा आरोप है। तो शिक्षा विभाग में भी ऐसा कुछ वायदा किया गया था, आज का माहौल में क्या स्थिति है? वो तो सही है, हमेशा ही भूल जाते हैं जो वादे करते हैं वो हमेशा भूल जाते हैं, बोलते हैं। ये भी जुमला है, टीचर शिक्षा के डेवलपमेंट के आज के हिसाब से 130 करोड़ जनता है देश में, इसके हिसाब से रेशियो में स्कूल बढ़ना चाहिए, डिपार्टमेंट में बढ़ना चाहिए, स्टाफ बढ़ना चाहिए, लेकिन हमेशा और डिपार्टमेंट में कमी आती है। स्टूडेंट स्कूल बढ़ा है, बढ़ना चाहिए, लेकिन स्कूल घटा के स्कूल को रोड और मार्च कर देते हैं, मतलब टीचर्स भी बहुत विलुप्त हो जाएगा आगामी दिन। आपका नाम? विजय कुमार सिन्हा, ऑल इंडिया DYO के जिला सेक्रेटरी। धन्यवाद। आज हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO, युव संगठन ऑल इंडिया DYO যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সরকারের যে সাম্প্রতিক নীতি 8,000 শিক্ষক পদ বাতিল এর বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে স্থানীয়দের বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আমরা আপনারা জানেন যে এই সরকার শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের চক্রান্ত করে মানুষের সাধারণ মানুষের গরিব ঘরের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। তারই অজুহাত চক্রান্ত হিসাবে এই শিক্ষা বিভাগে 8,000 শিক্ষক পদ বাতিল করা হলো। আমরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধিক্কার জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে এই শুধু 8,000 কেন, অন্যান্য নতুন করে স্কুল খুলে 80,000 ছাত্র টিচার নিয়োগ করা হোক, আরো বেশি শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। ঝুঠ বলতে হামেশা ঝুঠ বলতে সরকার কবি কয়েকটি সিদ্ধান্ত ঝুঠ জুমলা করতে হম লোক ইসকে খিলাফ আওয়াজ উঠাতে হামেশা। चुनाव के दौरान राजनेता मंत्री तथा विभागीय कार्यकर्ता जो आश्वासन देते हैं चुनाव के बाद भूल जाते हैं, ऐसा आरोप है। तो शिक्षा विभाग में भी ऐसा कुछ वायदा किया गया था, आज का माहौल में क्या स्थिति है? वो तो सही है, हमेशा ही भूल जाते हैं जो वादे करते हैं वो हमेशा भूल जाते हैं, बोलते हैं। ये भी जुमला है, अगर शिक्षक पद बातिल करा हलो আমরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধিক্কার জানাচ্ছি। মেহেরপুর ক্ষেত্র স্থিত সরলা বিল্লা জ্ঞান জ্যোতি বিদ্যালয় শ্রদ্ধা মর্যাদা কে সাথ
भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि के अवसर पर शिशु दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को सामने रखते हुए स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा कई रंगारंग सांस्कृतिक व नाट्य भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ बच्चों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। बाद में इस संदर्भ में सरला बिरला स्कूल के अध्यक्ष ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। It's a very, very special day for all of us and for every school and other education institutions, especially where children are there. It's a happy Children's Day to you all, to my dear students, the future generation of our nation. And on this special occasion, I wish every children to do their best and outcome with the best performance in every sphere of life and help the nation to be stronger, to stand India and show the world that we are not behind. And I also wish all the children of the world a happy Children's Day. शिशु दिवस के अवसर पर सिलचर के होली क्रॉस स्कूल में श्रद्धा मर्यादा के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिशु दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच चॉकलेट वितरण किए गए। गौरतलब है कि होली क्रॉस स्कूल के कर्तृपक्ष छात्र छात्रा तथा शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से पिछले दिनों सिलचर शहर के विभिन्न विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को चॉकलेट व दूसरे सामग्री भी वितरण किया गया था। आनंद उल्लास के साथ सिलचर के होली क्रॉस स्कूल में शिशु दिवस कार्यक्रम पालन किया गया। On this 133rd birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru,
as we celebrate the Children's Day today, these are my sentiments. All of us are born as the children of God. And though we are adults, on days like this, we feel and we recognize that each one of us have a child within us. We truly honor Chacha Nehru, who loved the children so very much, and children respected him, calling him their uncle. For Chacha, he believed that children are the continual source of joy. Therefore, he wanted his birthday to be celebrated as Children's Day. Chacha also wanted the children's education, their Children's Day. Shubho Shishur Dibos. Thank you for giving me this opportunity to greet our children, to make them happy, to make them joyful. May we all, the adults who are responsible for the education of our children, have the spirit of Pandit Jawaharlal Nehru. May we be the chachas and chachis for every child, bringing smiles on their face, love them, embrace them, take care of them, respect them, and give them the fullness of life. Jai Bharat and Jai Chacha Nehru, and three cheers to our children. Wishing them all hip hip hooray. I say happy Children's Day once more. God bless everyone, and God lead our children towards the path of truth, happiness, light and prosperity. Thank you. सोनाई विधानसभा केंद्र के माजिनगाम इलाके से आवासीय क्षेत्र के लोगों ने एक अजगर सांप को पकड़ा। सूत्र के अनुसार इस अजगर सांप को पकड़े जाने को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। सांप को पकड़ पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने वन विभाग के हवाले कर दिया। उल्लेखनीय है कि बाढ़ के बाद कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अजगर सांप पकड़े जा रहे हैं। बराघाटी के कई क्षेत्र से बाढ़ के बाद अजगर सांप पकड़े जाने पर पहाड़ी क्षेत्र में सांपों की कमी होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। रायत किला दो समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मेघालय राज्य में गैर उपजाति समुदाय के लोगों के ऊपर हो रहे निर्यातन के खिलाफ मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर में उछालने के प्रयास में गठन किया गया नॉर्थ ईस्ट लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी फोरम। कार्यकर्ताओं ने दिया विस्तारित जानकारी। जाने माने उभरते हुए पत्रकार विश्वकरण पुरकास्त के ऊपर चिकित्सा महाविद्यालय में हुए हमले के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षक के प्रेस क्लब में आयोजित हुआ सभा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रेस डे के अवसर पर की जाएगी विक्षोभ प्रदर्शन। गया जिले के विद्यार्थनपुर मधुरापुर जारोतला क्षेत्र में सड़क संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने राजनेता तथा प्रशासन से किया अपील। जल्द से जल्द कार्रवाई न होने पर प्रभाव पड़ सकती है चुनाव के दौरान। उदारपुर विधानसभा केंद्र के इंद्रनगर क्षेत्र में
जिलेटिन स्टिक तथा दूसरे जहरीले सामग्री के जरिए मछली पकड़ने के दौरान वन विभाग के कार्यकर्ता ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, चल रही है कानूनी कार्रवाई। सिलचर के रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कार्यालय में बाहरी क्षेत्र के लोगों को नियुक्ति दिए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी, जल्द से जल्द सहयोगिता न बरतने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही, नमस्कार।